क्या न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस फैसला। जी हाँ, भोजपुरी कलाकारों में एक और नाम जुड़ने जा रहा है जो राजनीति में कदम रखने जा रहा है। वो नाम है पवन सिंह का। रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ के बाद अब पवन सिंह भी राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वो भी सांसदी का चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। आइए आपको बताते हैं वो किस क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ के रास्ते पवन सिंह तीन भोजपुरी स्टार बन चुके हैं। सांसद चौथे की चाह सफलता सिर्फ बीजेपी के सहारे। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल, निरहुआ और पवन सिंह, ये वो चौकड़ी है जो पिछले दो दशक से भी ज्यादा वक्त से भोजपुरी के सुनहरे पर्दे पर राज कर रही है। इन चारों ने एक से बढ़कर एक गाने और फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री को बदले में जनता ने इन्हें पहले स्टार फिर सुपर स्टार बनाया। इसी स्टारडम के सहारे भोजपुरी के ये स्टार अब सियासत के पिच पर पार्टी का झंडा बुलंद करने में जुटे गए हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव पहले ही सांसद की दहलीज लांघ चुके हैं। अभिनेता से नेता बनने की कतार में भोजपुरी के पावर हाउस कहे जाने वाले पवन सिंह भी शामिल हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने आरा के लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। इससे पहले वो बीजेपी के आला नेताओं से भी मुलाकात। भोजपुरी में गायक, नायक और नेता का ट्रेंड शुरू हुआ। राजनीतिक दलों ने इसे भुनाया। वरिष्ठ पत्रकार निराला कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले भोजपुरी के गायक बनते, इसके बाद ये नायक और इस लोकप्रियता के साथ वे नेता बन जाते। पॉलिटिकल पार्टियां इसी मौके का फायदा उठा लेती हैं। इसमें क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय सभी राजनीतिक दल शामिल है। कांग्रेस, सपा, राजद, भाजपा, हर किसी ने एक्टर की लोकप्रियता का लाभ उठाया, लेकिन सफल केवल बीजेपी हुई। न कोई विचारधारा होती और न ही ये भोजपुरी का भला कर पाती है। निराला कहते हैं कि गायक, नायक और नेता बनने के क्रम में पार्टी इनकी विचारधारा देखती है और ना ही ये किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। इन्हें जहां से मौका मिल जाता है वहां से वो मैदान में उतर जाते हैं। समस्या ये है कि जिस भोजपुरी की लोकप्रियता हासिल कर ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव के बाद उसे ही भूल जाते हैं। अब पहले जानिए अभिनेता से नेता बने तीन स्टार्स की सफलता की कहानी। मनोज तिवारी, योगी के खिलाफ चुनाव लड़े और हारे, साइकिल छोड़ बीजेपी में आए, सांसद फिर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने। अभिनेता से नेता बनने की रेस में सबसे पहले भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी शामिल है। 2004 में आई पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाले मनोज तिवारी सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में की। करियर परवान पर चढ़ा तो इन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। 2009 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी की तरफ से इन्हें गोरखपुर में यूपी के मौजूदा सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया। भोजपुरी के स्टार को राजनीति की पहली पारी में हार का मुंह देखना। इसके बाद मनोज तिवारी का सपा से मोह भंग हो गया। 2013 में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी इन्हें यूपी की जगह दिल्ली लेकर चली गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कैंडिडेट बनाया गया। बीजेपी का दाव कामयाब रहा। मनोज तिवारी लोकसभा चुनाव जीत गए। इसके बाद पार्टी ने इनका कद लगातार बढ़ाता चला गया। पार्टी की तरफ से इन्हें दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। रवि किशन अपने घर से ही चुनाव हार गए थे। रवि किशन बीजेपी ने योगी का विकल्प बनाकर गोरखपुर से सांसद बनाया। रवि किशन भोजपुरी के वो स्टार है जो जितने दमदार भोजपुरी में हुए उतने ही असरदार बॉलीवुड में भी हुए। इन्हें न केवल भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार का तमगा मिला है बल्कि बॉलीवुड में भी अपने अभिनय के बल पर वो राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। फिल्म तेरे नाम के लिए इन्हें बेस्ट को एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो भोजपुरी फिल्म कब ही गवनवा हमार को इनकी एक्टिंग के कारण बेस्ट ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड हासिल हुआ। रील की दुनिया में कामयाब होने के बाद रवि किशन 2014 में पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने अपने गृह जिले जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मनोज तिवारी की तरह ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। अपने घर में इन्हें मात्र 42,759 वोट ही मिले। दिनेश लाल यादव निरहुआ उत्तर प्रदेश के सियासी घराने की सीट में सेंधमारी कर सांसद बने। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म तो याद ही होगी। इस फिल्म में न केवल दिनेश लाल यादव को नेम और फेम दिया बल्कि भोजपुरी का सुपरस्टार भी बना दिया। इस फिल्म के बाद इन्होंने कभी पूछे मुड़कर नहीं देखा। भोजपुरी में गायकी और एक्टिंग में लगभग 10 साल तक अपना मुकाम बनाने के बाद 2019 में इन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई।
सियासत के पेच पर इनका मुकाबला प्रदेश के सबसे ताकतवर सियासी परिवार से हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा। मनोज तिवारी और रवि किशन की तरह ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2022 में यहाँ लोकसभा का उपचुनाव हुआ। पार्टी की तरफ से एक बार फिर इन्हें आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया। इस बार इनका मुकाबला अखिलेश यादव के चचेरे भाई और सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से था। निरहुआ इस बार यूपी के सबसे पावरफुल सियासी परिवार के लाडले को मात देने में कामयाब रहे। भोजपुरी के ये स्टार सियासत की पिच पर रहे फेल। एक जमाने में कुणाल सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का शहंशाह कहा जाता था। उनके बिना शायद ही कोई फिल्म पूरी हो पाती थी, लेकिन भोजपुरी की ये स्टार सियासत के पिच पर फेल रहे। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। पार्टी की तरफ से इन्हें पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया।